हर साल विसाखी का त्यौहार मेष संक्रांति के उत्ते मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब दे विच लोकी बड़ी धूमधाम नाल मनाते हैं, पर उत्थे बहुत सारे होर राज्यों दे विच भी विसाखी को उत्साह नाल मनाया जाता है। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली दे विच विसाखी को लोग बड़े चावां नाल मनाते हैं। विसाखी की गल करिए तो विसाखी को मुख्य तौर के उत्ते इस करके मनाया जाता है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच जट्टां नू लोकां नू फसल की राखी करन दी लोड़ नहीं पैंदी है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच वाढ़ी की जाती है फसल की, जिस करके विसाखी नू मुख तौर पर मनाया जाता है। उत्थे सिखां दी गल करिए तो उन्होंने वालों भी इस त्यौहार के लिए बेहद प्यार है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच खालसा पंथ की सिरजना की गई सीगी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों, जिस करके उन्होंने भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर विसाखी के दिन का महत्व की है, इस तरीक का महत्व की है, अज इस बारे असी गलबात करांगे। सब तो पहला मैं थोनू दस देवां कि विसाखी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो इलावा होर बहुत सारिया वख-वख थावां उत्ते मनाया जाता है जिथे इस विसाखी का नाम भी अलग है। जिवें असाम दे विच इस नू बीहू कहा जाता है, बंगाल विच नवा वर्षा कहा जाता है, केरला विच पूर्ण विशु कहा जाता है। विसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल 2023 यानी कि अज मनाया जाएगा। पंजाब के लोग खास करके सिखा लिए विसाखी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जिमें कि मैं थोड़ा पहले ही दसिया कि सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। विसाखी की महत्ता की है? विसाखी मुख तौर उत्ते फसलों के चंगे झाड़ की खुशी विच मनाई जाती है। यह पवित्र त्यौहार भारतीय किसानों का मनिया जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं, वाढ़ी तो बाद घर आने की खुशी विच रब अते कुदरत दा धन्नवाद करते हैं, खुशी विच भंगड़ा पाया जाता है। विसाखी सिर्फ खेतीबाड़ी का त्यौहार ही नहीं सगो सिख कौम लिए एक धार्मिक त्यौहार भी कहा जाता है। सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। सो ये विसाखी का इतिहास। मैनू उम्मीद है थोनों आज की जानकारी जो है वह पसंद आई होगी। इस दे नाल ही मैनू यानी कि सोनिया दो इजाजत ते जुड़े रहो नेक्स्ट पंजाब दे नाल। हर साल विसाखी का त्यौहार मेष संक्रांति के उत्ते मनाया जाता है। इस त्यौहार को पंजाब दे विच लोकी बड़ी धूमधाम नाल मनाते हैं, पर उत्थे बहुत सारे होर राज्यों दे विच भी विसाखी को उत्साह नाल मनाया जाता है। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली दे विच विसाखी को लोग बड़े चावां नाल मनाते हैं। विसाखी की गल करिए तो विसाखी को मुख तौर के उत्ते इस करके मनाया जाता है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच जट्टां नू लोकां नू फसल की राखी करन दी लोड़ नहीं पैंदी है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच वाढ़ी की जाती है फसल की, जिस करके विसाखी को मुख तौर पर मनाया जाता है। उत्थे सिखां दी गल करिए तो उन्होंने वालों भी इस त्यौहार के लिए बेहद प्यार है क्योंकि इन्हां दिनों दे विच खालसा पंथ की सिरजना की गई सीगी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों, जिस करके उन्होंने भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर विसाखी के दिन का महत्व की है, इस तरीक का महत्व की है, अज इस बारे असी गलबात करांगे। सब तो पहला मैं थोनू दस देवां कि विसाखी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो इलावा होर बहुत सारिया वख-वख थावां उत्ते मनाया जाता है जिथे इस विसाखी का नाम भी अलग है। जिवें असाम दे विच इस नू बीहू कहा जाता है, बंगाल विच नवा वर्षा कहा जाता है, केरला विच पूर्ण विशु कहा जाता है। विसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल 2023 यानी कि अज मनाया जाएगा। पंजाब के लोग खास करके सिखा लिए विसाखी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। जिमें कि मैं थोड़ा पहले ही दसिया कि सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। विसाखी की महत्ता की है? विसाखी मुख तौर उत्ते फसलों के चंगे झाड़ की खुशी विच मनाई जाती है। यह पवित्र त्यौहार भारतीय किसानों का मनिया जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं, वाढ़ी तो बाद घर आने की खुशी विच रब अते कुदरत दा धन्नवाद करते हैं, खुशी विच भंगड़ा पाया जाता है। विसाखी सिर्फ खेतीबाड़ी का त्यौहार ही नहीं सगो सिख कौम लिए एक धार्मिक त्यौहार भी कहा जाता है। सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। सो ये विसाखी का इतिहास। मैनू उम्मीद है थोनों आज की जानकारी जो है वह पसंद आई होगी। इस दे नाल ही मैनू यानी कि सोनिया दो इजाजत ते जुड़े रहो नेक्स्ट पंजाब दे नाल। हर साल विसाखी का त्यौहार मेष संक्रांति के उत्ते मनाया जाता है।
इस त्यौहार नूं पंजाब दे विच लोकी बड़ी धूमधाम नाल मनाउंदे ने, पर उत्थे बहुत सारे होर राज्यां दे विच वी विसाखी नूं उत्साह नाल मनाया जांदा। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली दे विच विसाखी नूं लोक बड़े चावां नाल मनांदे ने। विसाखी की गल करिए तो विसाखी नूं मुख तौर दे उत्ते इस करके मनाया जांदा क्योंकि इन्हां दिनां दे विच जट्टां नूं लोकां नूं फसल की राखी करन की लोड़ नहीं पैंदी है क्योंकि इन्हां दिनां दे विच वाढ़ी कीती जांदी है फसल की, जिस करके विसाखी नूं मुख तौर पर मनाया जाता। उत्थे सिखां दी गल करिए ते उन्हां वल्लों भी इस त्यौहार के लिए बेहद प्यार है क्योंकि इन्हां दिनां दे विच खालसा पंथ की सिरजना की गई सी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों, जिस करके उन्होंने भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर विसाखी के दिन का महत्व की है, इस तरीक का महत्व की है, अज इस बारे असी गलबात करांगे। सब तो पहला मैं थोड़ा दस देवां कि विसाखी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो इलावा होर बहुत सारिया वक् वक् थावां उत्ते मनाया जाता है जिथे इस विसाखी का नाम भी अलग है। जिवें असाम दे विच इसनू बीहू कहा जाता है, बंगाल विच नवा वर्षा कहा जाता है, केरला विच पूर्ण विशु कहा जाता है। विसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल 2023 यानी कि अज मनाया जाएगा। पंजाब के लोग खास करके सिखा लिए विसाखी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिमें कि मैं थोड़ा पहले ही दसिया कि सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। विसाखी की महत्ता की है? विसाखी मुख तौर उत्ते फसलों के चंगे झाड़ की खुशी विच मनाई जाती है। ये पवित्र त्यौहार भारतीय किसान का मनिया जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं, वाढ़ी तो बाद घर आने की खुशी विच रब अते कुदरत दा धन्नवाद करते हैं, खुशी विच भंगड़ा पाया जाता है। विसाखी सिर्फ खेतीबाड़ी का त्यौहार ही नहीं सगों सिख कौम लिए एक धार्मिक त्यौहार भी कहा जाता है। सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। सो ये विसाखी का इतिहास। मैनू उम्मीद है थोनों आज की जानकारी जो है वह पसंद आई होएगी। इस दे नाल ही मैनू यानी कि सोनिया दो इजाजत ते जुड़े रहो नेक्स्ट पंजाब दे नाल। हर साल विसाखी का त्यौहार मेष संक्रांति के उत्ते मनाया जाता है। इस त्यौहार नूं पंजाब दे विच लोकी बड़ी धूमधाम नाल मनाउंदे ने, पर उत्थे बहुत सारे होर राज्यां दे विच वी विसाखी नूं उत्साह नाल मनाया जाता है। खास करके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली दे विच विसाखी नूं लोक बड़े चावां नाल मनांदे ने। विसाखी की गल करिए तो विसाखी नूं मुख तौर दे उत्ते इस करके मनाया जाता क्योंकि इन्हां दिनां दे विच जट्टां नूं लोकां नूं फसल की राखी करन की लोड़ नहीं पैंदी है क्योंकि इन्हां दिनां दे विच वाढ़ी कीती जाती है फसल की, जिस करके विसाखी को मुख तौर पर मनाया जाता है। उत्थे सिखां दी गल करिए ते उन्हां वल्लों भी इस त्यौहार के लिए बेहद प्यार है क्योंकि इन्हां दिनां दे विच खालसा पंथ की सिरजना की गई सी दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी के वलों, जिस करके उन्होंने भी ये त्यौहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पर विसाखी के दिन का महत्व की है, इस तरीक का महत्व की है, अज इस बारे असी गलबात करांगे। सब तो पहला मैं थोड़ा दस देवां कि विसाखी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा तो इलावा होर बहुत सारिया वक् वक् थावां उत्ते मनाया जाता है जिथे इस विसाखी का नाम भी अलग है। जिवें असाम दे विच इसनू बीहू कहा जाता है, बंगाल विच नवा वर्षा कहा जाता है, केरला विच पूर्ण विशु कहा जाता है। विसाखी का त्यौहार 14 अप्रैल 2023 यानी कि अज मनाया जाएगा। पंजाब के लोग खास करके सिखा लिए विसाखी बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिमें कि मैं थोड़ा पहले ही दसिया कि सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। विसाखी की महत्ता की है? विसाखी मुख तौर उत्ते फसलों के चंगे झाड़ की खुशी विच मनाई जाती है। ये पवित्र त्यौहार भारतीय किसान का मनिया जाता है। इस दिन लोग अनाज की पूजा करते हैं, वाढ़ी तो बाद घर आने की खुशी विच रब अते कुदरत दा धन्नवाद करते हैं, खुशी विच भंगड़ा पाया जाता है। विसाखी सिर्फ खेतीबाड़ी का त्यौहार ही नहीं सगों सिख कौम लिए एक धार्मिक त्यौहार भी कहा जाता है। सिख कौम के लोग विसाखी को खालसा पंथ के साजना दिवस वजो मनाते हैं। सो ये विसाखी का इतिहास। मैनू उम्मीद है थोनों आज की जानकारी जो है वह पसंद आई होएगी। इस दे नाल ही मैनू यानी कि सोनिया दो इजाजत ते जुड़े रहो नेक्स्ट पंजाब दे नाल।